1947 से पहले जब हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, तब हमारे देश को ब्रिटिश शासकों के चंगुल से बचाने के लिए हमारे बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने कठिन प्रयासों से उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया। भारत माता के दामन को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। इन्हीं में से एक हैं हमारे महान क्रांतिकार अशफाक उल्ला खां जी, जिनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। अशफाक उल्ला खां जी का जन्म 24 अक्टूबर 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में शहीदपुर स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद शरीफुल्ला खां था और इनकी माता का नाम मशरूत शाह बेगम था। वे पठान परिवार 1947 से पहले जब हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, तब हमारे देश को ब्रिटिश शासकों के चंगुल से बचाने के लिए हमारे बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने कठिन प्रयासों से उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया। भारत माता के दामन को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। इन्हीं में से एक हैं हमारे महान क्रांतिकार अशफाक उल्ला खां जी, जिनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। अशफाक उल्ला खां जी का जन्म 24 अक्टूबर 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में शहीदपुर स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद शरीफुल्ला खां था और इनकी माता का नाम मशरूत शाह बेगम था। वे पठान परिवार अशफाक उल्ला खां का जन्म 24 अक्टूबर 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर स्थित शहीदगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्ला खां था और इनकी माता का नाम मशरूफिनशो शाह बेगम था। वे पठान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और इनका बाल्यकाल से ही पढ़ाई में मन नहीं रखता था, बल्कि इनकी रुचि तैराकी, घुड़सवारी आदि में थी। उन्हें कविताएं लिखने का भी काफ़ी शौक था, जिसमें वे अपना उपनाम हसरत लिखा करते थे। काम के संबंध में विदेश जाने के लिए वे अपने एक पठान मित्र के संपर्क में आए, जिसने उनके साथ छल किया और पैसों के लालच में आकर अंग्रेजी पुलिस को
उनकी सूचना दे दी गई, जिससे अशफाक उल्ला खां पकड़े गए, पकड़वा दिया गया। उनके पकड़े जाने के बाद जेल में उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गईं और उन्हें सरकारी गवाह बनाने की भी कोशिश की गई, परंतु अशफाक ने इस प्रस्ताव को कभी भी मंजूर नहीं किया। आखिरकार 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल देश में चल रहे बहुत से आंदोलनों और क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित होकर अशफाक के मन में भी क्रांतिकारी भाव जागृत हुए और उसी समय उनकी मुलाकात मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल जी से हुई और वे भी क्रांति की दुनिया में शामिल हो गए। इसके बाद वे ऐतिहासिक काकोरी कांड में भी सहभागी रहे और पुलिस के हाथ भी नहीं आए। इस घटना के बाद वे बनारस आ गए और इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने कमाए गए पैसों से क्रांतिकारी साथियों की बहुत मदद की। आखिर 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद की एक जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। घटना के बाद हिंदू मुस्लिम आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम की एकता मजबूत हो गई। इनके द्वारा कुछ लिखी गई पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब मैं अशफाक उल्ला जी खां द्वारा लिखित कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कसली है कमर अब कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर ही कटाएंगे। हटने के नहीं पीछे कभी हम जुल्मों से, आप हाथ उठाओगे हम पैर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।